दोस्तों, आज की कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर कॉमेडी शॉर्ट फिल्म चाय पत्ती के बारे में बताना चाहता हूँ। चाय पत्ती कहानीकार सुधांशु राय, जो कि एक पॉपुलर डिटेक्टिव, हॉरर और थ्रिलर स्टोरी टेलर हैं, उनकी पहली शॉर्ट फिल्म है और इसे दर्शकों ने अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और एक्टिंग के लिए बेहद पसंद किया है। तो दोस्तों, चाय पत्ती शॉर्ट फिल्म देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और साथ ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी सुनने के लिए कहानीकार सुधांशु राय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक अमावस की रात, अपने घर छुट्टी मनाने के बाद कमल अपने गांव से अपने हॉस्टल वापस जा रहा था। अगले दिन से उसके एग्जाम्स शुरू होने वाले थे और जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसने एक शॉर्टकट लेने का सोचा। उस शॉर्टकट का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। कई लोगों का कहना था कि जंगल के उस रास्ते पर कई सारे भूत देखे गए हैं, लेकिन कमल को भूतों पर यकीन नहीं था और वो उसी रास्ते पर आगे चलता गया। कमल आगे आगे जा ही रहा था कि उसे अपने पीछे से एक बस आती दिखाई दी। मेन रोड तक पहुंचने के लिए कमल को बस या गाड़ी की जरूरत थी, इसीलिए उसने उस बस को हाथ दिया और वो बस उसके पास आकर रुक गई। बस में चढ़ने के बाद कमल ने देखा कि बस में बैठे सभी लोग उसे घूरे जा रहे हैं। उसने बस के आखिर में एक सीट खाली देखी और वहां जाकर बैठ गया। पीछे बैठने के बाद जब उसने आगे देखा तो भी सारे पैसेंजर्स उसे ही घूरे जा रहे थे। बस में अगली वाली सीट पर बस का कंडक्टर बैठा हुआ था। कमल ने उसे एक टिकट काटने का इशारा किया तो उस आदमी ने बड़े ही अजीब तरीके से कमल को अपने पास बुलाया। कमल को वो कंडक्टर बहुत ही डरावनी नजरों से देख रहा था। कमल ने अपने साथ बैठे आदमी से कहा, बड़ा अजीब आदमी है, ऐसे देख रहा है जैसे खा ही जाएगा। कमल के ये देखते ही उसके साथ बैठा आदमी भी उसे वैसी ही नजरों से घूरने लगा। कमल ने उससे फिर पूछा कि बस कहां तक जाएगी, तो उसके साथ बैठे आदमी ने कहा कि ये बस चलती रहती है, कभी मंजिल तक पहुंचती नहीं। ये सुनकर कमल को बड़ा अजीब लगने लगा। उसने आगे देखा तो भी बस के सभी लोग उसे ही देखे जा रहे थे, इसीलिए उसने अपने कान में ईयरफोन्स लगाए, मोबाइल पर म्यूजिक चलाया और आंखें बंद करके सो गया। कुछ देर बाद बस में अचानक एक जोर का झटका आया और वो बस बेकाबू हो गई। कमल की नींद खुल गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो जो उसने बस का नजारा देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। सामने बैठे कंडक्टर की दोनों आंखें फट चुकी थीं। बस के आगे का कांच टूटा हुआ था और उसके टुकड़े पूरी बस में हर तरफ फैले हुए थे। बस में बैठा हर इंसान बहुत अजीब लग रहा था, जैसे वो सब जिंदा मुर्दे बन गए हों। कमल ये सब देखकर बहुत डर गया था और वो बस से निकलने के लिए अपनी सीट से खड़ा हुआ, पर तभी सारी लाशें उठ खड़ी हुईं और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन सारी लाशों में से कंडक्टर निकलकर कमल के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखकर कमल बुरी तरह कांपने लगा, वो अपनी जगह से भी हिल नहीं पा रहा था। कंडक्टर कमल के पास आया और जोर से चीखने लगा। उसने कमल का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठाकर जोर से पटक दिया और उसके सर में बहुत गहरी चोट आई, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने घर में था। उसकी मां उसके पास ही बैठी थी। कमल को होश में आता देख उसकी मां जोरों से चिल्लाई, सुनिए, कमल को होश आ गया है, जल्दी आइए। उसके पापा भी उसके पास आ गए। कमल डर कर उठा और जोरों से अपने मां बाप से पूछने लगा, वो बस वो
वो चली गई क्या? वो बस वो चली गई क्या? उसकी मां ने कहा, कौन सी बस? तेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था, वो तो शुक्र है कि एक जानने वाले इंसान ने तुझे देख लिया और हमें फोन कर दिया, वरना पता नहीं क्या होता। उसकी मां ने उसे बताया कि उसे पूरे 4 दिन बाद होश आया था। उस दिन के बाद से कई अमावस की रातें ऐसी गुजरी जहां कमल को लगा कि जंगल के रास्ते पर एक बस जा रही है, जिसमें उसे वही लोग बैठे दिखते जो उसे दूर से ही घूरते रहते। सिर्फ कमल ही जानता था कि उस दिन उसके साथ कोई रोड एक्सीडेंट नहीं, बल्कि उसका सामना एक मुर्दों की बस से हुआ था। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब करो यार, और देखते रहो हर हफ्ते एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।